दो तीन लोगों ने बहुत हेल्प किया मुझे, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं कि थैंक यू। मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, मतलब कभी होगा मुझसे हेल्प कुछ तो मैं करूँगा आपको। आज के ब्लॉग बनाया जो मैं सही हूँ और मैं ठीक हूँ और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग भी ठीक रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग, और मैं फाइनली ठीक होके रूम पे जा रहा हूँ अभी। और देख सकते हो यह हॉस्पिटल का नज़ारा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये हॉस्पिटल है, ये निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, ये वलसाड में है ये हॉस्पिटल, और यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। अरे मेरा भाई है जो आसाम से आए हुए है, और इसने भी फ्लाइट का मज़ा लिया इसने मेरे, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा साइड पे, साइड से कुछ सामान वामान लेना है और फिर चलेंगे सीधा दिल्ली। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और दिल्ली जाके मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अभी मैं आ गया था अपने साइड पे जहाँ पे काम कर रहा था मैं, और यहाँ पे कुछ सामान है मैं वो लेके जाऊँगा, आज निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। ट्रेन है मेरा 4 बजे का, 4:45 बजे का ट्रेन है, और यहाँ से निकलूँगा अमरसाट के लिए, वहाँ से भी ट्रेन है शायद 11:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे। और मैंने देखो कितने लोगों को परेशान कर दिया, ये लोग बन कौन सर, आप लोग कौन से विभाग से हो, कौन से विभाग से हो? प्राथमिक आरोग्य केंद्र कचोली। तो देखो इन्होंने जो एड्रेस बताया सुन सकते हो, तो इनको मैं परेशान कर रखा हूँ काफ़ी दिन से। और ये तीनों ये दोनों भाई, ये भाई साहब है और ये बहन है, जो ये लोग बार बार मुझे कॉल करके पूछते रहते थे जो कैसा तबीयत है, कैसा क्या है, कम से कम 20-25 बार कॉल आ चुका है। तो भगवान करे ऐसा बीमारी किसी को ना हो जो सबको परेशानी में डाल ले। और मेरा तबीयत देख सकते हैं अभी ठीक हूँ, और थोड़ा सा हल्का हो चुका हूँ, बॉडी से वजन घट गया है मेरा। और आप लोग बने रहिए दिल्ली में, जाके मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है और 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है मेरा। और सर को भी मैं थैंक यू बोलूँगा सर, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया हमने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना कोई प्रॉब्लम इससे आपको कोई? मैं सरकार से आता हूँ, बार बार उसे पहचान की बाहर से आए वो खड़ा है, अब बाहर से आदमी आया उसकी पहचान पहली करने का, उसकी सबकी काड़ी लेने का है हमारा धर्म। तो दोस्तों उन्होंने बताया जो मतलब इनका बाहर से जो लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो बहुत इंक्वायरी चलता है। तो आप लोग को पता चल ही गया सबका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, कोरोना चेक किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे है 4-5 बंदे यहाँ पर, और सभी का लिया गया है। और अभी मैं भी चलूँगा यहाँ से, इसलिए ये लोग जल्दी आ गए, नहीं तो मुझे और 2-3 दिन बाद लेते। तो देखते हैं अभी जो भी है टेस्ट में क्या निकलता है बताऊँगा। ये लोग ऐसे नंबर ले चुका है मेरा, और तो बने रहिए ब्लॉग में, और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग और मैं चिन्मय। दोस्तों इस भाई ने ना मुझे बहुत हेल्प किया यार, देवेंद्र नाम है, और इसे कहाँ से जानता हूँ मुझे, हरिद्वार से भाई, हरिद्वार से इसे जानता हूँ। और ये हरिद्वार में रॉकमैन में काम करता था, मैं हीरो में काम करता था, और ये भाई मेरा इसके साथ एक साथ काम कर रहे हैं। और इधर महेश जी भी है, अब महेश जी भी बहुत हेल्प किया हमें। और चलो भाई मिल के चलते हैं, और अभी हम लोग का ट्रेन है 3:40 में, और बने रहो ब्लॉग में, और मैं चलता हूँ दिल्ली में, मिलते हैं दोस्तों। तो इस बार ना ट्रेन का सफ़र अच्छा रहा, और हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं और 2 घंटे के बीच, और अभी मथुरा पार कर चुके हैं, और काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैं ऊपर ही था और ऊपर ही सो रहा था, और नीचे में और थे नीचे बैठे हुए, और कोई इस बार कोई भीड़ नहीं था उतना, इस बार भीड़ नहीं है इसको ज़्यादा देख सकते हो। तो और अभी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मगर अभी कमज़ोरी सा है अभी बॉडी में, नींद बहुत बढ़िया आया, अच्छा है। और अभी मैं ऊपर ही बैठा हुआ हूँ, और मिलते हैं आप लोगों से कहाँ, रूम पे जाके, अभी रूम पे पहुँच के आपसे मिलते हैं, बने रहो ब्लॉग में। हेलो दोस्तों,
अब फाइनली हम लोग ना रूम पे पहुंच गए और रूम पे बैठा हुआ हूँ। देखो सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे तैसे रखा हुआ है। भाई बना रहा है खाना इधर पीछे। मैं लैपटॉप लेके बैठा था, मैं सोचा वाईफाई कनेक्शन करूँ। इधर भाई खाना बना रहा है, बना रहा है दाल बना रहा है। और रूम पे आते ना, मतलब दिल्ली में आते ही मेरा तबीयत सही हो गया लग रहा है मुझे पक्का। और अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे और अपलोड करना है, और बने रहिए ब्लॉग में। और एक चीज़ आप लोगों को बताना था कि बहुत ही मतलब ऐसा बीमारी दे दिया ना डेंगू जब मुझे हुआ था ना बॉडी में दाना, वो किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। कम से कम मतलब आज भी कॉल आ रहा है वहाँ से, गुजरात से, कि भाई जी आप ठीक हो, ये खाना है, ये पीना है, छलना ढिमकाना सब कुछ करना है। तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। बोलता है अभी ये विटामिन ए की कमी है मेरे बॉडी में। तो खून लिया था आते हुए मुझे, आप लोगों को दिखाया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा पहले ही। तो उसमें खून ब्लड सैंपल लिया था उन्होंने, और अब सैंपल चेक करके मुझे बता रहा है जो आपको विटामिन ए की कमी है, ए की एक दवाई बताया हुआ है वो खाना है, उसको भी लेकर आएंगे खाएंगे। और चावल इधर रखा हुआ है पूरा ऊपर, और मैं ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग बता देना, और नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और सभी को बताता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ चुका हूँ घर पे रूम पे। और महेश जी ने सबसे ज़्यादा हेल्प ना महेश जी ने किया मुझे, और सेकंड कुछ और भी जो जो लोग थे उनको दिखा दिया हूँ, और सबसे ज़्यादा हेल्प महेश जी की वजह से। मैं शायद नहीं होता तो कुछ मतलब शायद मैं नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। नहीं महेश जी ने 11 दिन महेश जी ने मुझे मतलब हॉस्पिटल में 28 तारीख से लेकर मुझे सेवा ही कर रहा है। 28 तारीख से मान लो 6 तारीख तक मतलब 9-10 दिन पूरा हेल्प किया, मतलब खाना बनाने से लेके पोटी भी साफ कर लिया महेश जी ने मेरा, बताओ यूरिनल भी फेंका जाके बाहर। तो ये भी मतलब कोई नहीं करता, सगा तो कोई नहीं करना चाहता है, मगर मेरे भाई भी बाद में आया हुआ है, ये भी इसने भी किया कुछ काम। तो मैं मतलब 2-3 लोगों ने बहुत हेल्प किया मुझे, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं भी। थैंक यू, मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, मतलब कभी होगा मुझसे हेल्प तो मैं करूँगा आपके लिए। और चलो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, यही चीज़ बताने के लिए मैं आज का ब्लॉग बनाया, जो मैं सही हूँ और मैं ठीक हूँ, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी ठीक रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ।